Ready? Love. तुम्हारे लिए एक खास खुशखबरी लेकर आया हूं। राहुल शिमला में हॉस्पिटल खोल रहा। राहुल यहाँ शिमला में हॉस्पिटल खोल रहा? दरअसल मैं ही चाहता हूं कि वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल खोले, लेकिन उससे भी बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए है। कैसा सरप्राइज? राहुल से तुम्हारी शादी। राहुल से शादी? क्या राहुल तुम्हें पसंद नहीं है? तो नहीं, राहुल तो अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त 10 साल कुछ कम वक्त होता? 10 साल से तुम सिर्फ ये जवाब देती आ रही हो कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आगे कब करने वाली तुम शादी? डैडी, क्या शादी करना जरूरी है? मतलब ये कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी सारी जिंदगी स्कूल के बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या वक्त गुजारने का और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास? नौकरी करना बहुत जरूरी है क्या? जिंदगी भर अपनी ही मनमानी करती रही, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचा। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हारी हर जिद, हर बात को पूरी करने की कोशिश की। जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने बस यही चाहा कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? पति के रूप में एक ऐसा लापरवाह आवारा इंसान जिसने 10 साल मुड़कर तक नहीं देखा कि तुम कहां खड़ी। जिस शख्स को मैं भूल चुकी हूं, आप उसकी याद क्यों दिलाना चाहते हैं? अरे नहीं, नहीं। तुम उसे भूल नहीं पाए। भूल गई होती तो शायद अब तक शादी कर चुकी होती। हाँ, शायद नहीं भूल पाई हूं मैं उसे, और ना ही कभी भूल पाऊंगी। तुम शायद एक बात भूल रही हो, राहुल तुम्हें बेहद प्यार करता है। प्यार? क्या वो तभी मुझसे प्यार करेगा जब उसे सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या वो तब भी मुझसे प्यार करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूं? क्या वो तब भी मुझसे प्यार करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है? खामोश क्यों है? जवाब दीजिए, है कोई जवाब आपके पास? तुम्हें जवाब चाहिए ना प्रीति? तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। तुम्हारी शादी सिर्फ राहुल से होगी और उसका अस्पताल यहां शिमला में खुलेगा। दैट इज फाइनल। राज, मेरा तुमसे एक मशवरा है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो राज? मैं सही बात कर रहा हूँ राज। सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, तुम्हारी नहीं तुम्हारे बेटे के भविष्य का सवाल है। चलो माना कि तुम्हें पत्नी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बच्चे को मां की सख्त जरूरत है। देखो सिन्हा, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि मेरे बेटे को मां की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो अच्छी तरह से जानता है कि मैंने उसकी परवरिश बाप कम मां बनकर ज्यादा की है। जब उसकी अपनी सगी माँ उसे बेटे का अधिकार नहीं दे सकी, तो कोई पराई औरत आकर उसको मां का अधिकार कैसे दे सके? सिन्हा, मैं अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। देखो राज, हो सकता है जो तुम समझ रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे डॉक्टर कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है। तुम्हारे हिसाब से बच्चे को माँ की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि राजू अंदर से कितना अकेलापन महसूस करता है।